खबरें उत्तर प्रदेश की। मेरठ में पार्टी बाजी को लेकर दो पक्षों में हुई फायरिंग, गांव की सड़कों पर उतरकर किया जमकर पथराव। दर्जन भर हमलावर लाठी डंडे तमंचे लेकर एक पक्ष के घर के चबूतरे पर उतर गए। दो दिन पहले दोनों पक्षों में हुआ था टकराव। कांग्रेस का वही हश्न होगा जो अनुच्छेद 370 का हुआ, छठ के कार्यक्रम में बोले सीएम योगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करती है तो उसका भी वही हश्न हो सकता है जो अनुच्छेद 370 और 35A का हुआ था। योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल करने के लिए उनके आह्वान की निंदा की। छठ महापर्व के अवसर पर मैं कांग्रेस से ही कहूंगा कि वह जम्मू कश्मीर विधानसभा से पारित इस प्रस्ताव के खिलाफ स्वयं भी बोले, अन्यथा भारत में कांग्रेस की वही स्थिति हो जाएगी जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A की हो चुकी है। महाकुंभ की महातैयारी, प्रयागराज में जुटेंगे 45 करोड़ श्रद्धालु, टूरिज्म के लिए बड़ा बूस्ट। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में गंगा के किनारे बसा शहर सांस्कृतिक जश्न का केंद्र बनने जा रहा है। जिले में 2025 में होने जा रहे महाकुंभी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यह जश्न पूरे 45 दिन का होगा जो 14 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र में पिछले साल महिला वकील अंजलि की हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ। महिला वकील अंजलि मर्डर केस में जमानत पर बाहर आए नीरज शर्मा ने पुलिस में शिकायत देकर अंजलि के ससुराल वालों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। नीरज का दावा है कि अंजलि की हत्या के लिए 20 लाख रुपए और संपत्ति का वादा किया गया था। स्वच्छ महाकुंभ 2025, 1.5 लाख टॉयलेट्स और पेइंग गेस्ट योजना से होगी सुविधाओं की भरमार। महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज प्रशासन लाखों तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए 1.5 लाख टॉयलेट्स और पेइंग गेस्ट आवास योजना पर जोर दे रहा है। स्थानीय निवासियों को अपने घरों को किराए पर देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि तीर्थयात्रियों को घर जैसा माहौल मिल सके।